यूजर के मन को पढ़ लेता है कंप्यूटर इंटरफेस। नई दिल्ली मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो यूजर के मन में सोचे शब्दों को बिना सुने चेहरों से ही पढ़कर लिख लेता है। शोधकर्ताओं में दो भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। डिवाइस में लगे इलेक्ट्रोड यूजर के जबड़े और चेहरे से न्यूरोमस्कुलर सिग्नल के जरिए पढ़ लेता है। दरअसल मन में सोचे शब्दों का आंतरिक उच्चारण करने में जबड़े का इस्तेमाल होता है, लेकिन मानव की आंख से इसका पता नहीं चल पाता है। वीडियो जलती कार में ड्राइवर को बचाने के लिए इस शख्स ने किया ऐसा। सिस्टम में एक पहनने वाली डिवाइस और उससे जुड़ा कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। ये संकेत मशीन लर्निंग ML सिस्टम को मिलते हैं, जिसे खास तौर से शब्दों के साथ विशेष संकेत से परस्पर जुड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। MIT में मीडिया लैब में ग्रेजुएशन के छात्र अर्णव कपूर ने बताया, अभी प्रेरणा एक इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन डिवाइस बनाने की थी। हमारी संकल्पना यह थी कि क्या हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होगा, ज्यादा आंतरिक होगा, मतलब मानव और मशीन कहीं मिलकर एक हो जाएगा और हमारी अनुभूति का आंतरिक विस्तार की तरह अनुभव करेगा। लड़की ने किया मैसेज, लेट आऊंगी ऑफिस, बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई। कपूर ने कहा, हम आंकड़ा जुटाने में लगे हैं और नतीजे अच्छे मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि हम आगे पूरी बातचीत के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook और Google+ पर ज्वाइन करें, Twitter पर फॉलो करें।